को लेकर। आइए वापस रुक करते हैं, भारत के खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत और अब तो सभी की तस्वीर आ गई है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की तस्वीरें, रवि दहिया, सिल्वर मेडलिस्ट लवलीना बरगोहाँ है, सबकी तस्वीरें हैं इंडिविजुअली निकलते निकलते जब उनकी ली गई हैं। पीवी सिंधु भी आपको दिखाई दे रही हैं इधर, मीराबाई चन्नू की तस्वीर और बजरंग पुनिया जो कि अब एक ओपन कार में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी लगे हुए, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, ओपन कार में आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, जरा बताइए कि जिस अंदाज में जा रहे हैं, हम माने आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएंगे क्योंकि तय वक्त तो 6:30 था, उसको लगता है मीट करना थोड़ा मुश्किल। जितेंद्र यार, पहलवानी लग रहे हो, पहलवानी करा रहा हूं, पहलवानी है कि पूछो, मैं कह रहा हूं भाई, कह रहे नहीं मैं नहीं कर रहा पहलवानी। कुछ ही देर में खिलाड़ियों के आगमन की भी तस्वीरें अशोका होटल से आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए नीरज चोपड़ा की तस्वीर, उनका वीडियो जब वो निकल रहे हैं वहां से, इस जोश का, इस जज्बे का क्या मुकाबला होगा। स्वागत की खुशी भी है लेकिन प्लेयर्स के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर इस वक्त आज तक पर लाइव है। सुनील जी, अनमैच्ड मोमेंट्स, और आज जब हम अपने खिलाड़ियों को अपनी सरजमी पर वतन वापसी करते हुए देख रहे हैं, ये जोश, ये जज्बा देखिए, सिर पर उन्होंने प्लेयर्स के चेहरे लगाए हुए हैं, मतलब अनपैरेलल फीलिंग है इस बार ओलंपिक्स में। सुनील जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल, मतलब ये जो क्षण है ना, इसे हम कभी भूल नहीं सकते। हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जब नीरज ने वो थ्रो किया, कहां पे हम थे, जैसे कि कभी कभी एक जो एक मोमेंटस मोमेंट होता है अपनी अपनी जिंदगी में, तो उसके बारे में लोग पूछते कि आप कहां थे उस वक्त, आप कहां थे, तो हम कह सकते कि हाँ हम वहां पे थे, हम लोग स्टूडियो में थे, हम देख रहे थे और इतना मजा आ गया नीरज चोपड़ा का जो थ्रो देखकर, जहां से उन्होंने सुवर्ण पदक जीता, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है वो देखकर और भी खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे जब खिलाड़ी है वो आपके लिए एक रोल मॉडल बनते, मतलब सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं पर आगे के हर एक स्पोर्ट के लिए आपके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, और यही है, और यही से तो भारतीय की जो स्पोर्टिंग की शान है और बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे जो नीरज चोपड़ा जैसे आपके सामने रोल मॉडल होंगे, मीराबाई चानू जैसे रोल मॉडल, पीवी सिंधु जैसे, मैरी कॉम जैसे, मैरी कॉम ने इस बार कोई पदक नहीं जीता पर वो इतनी इंस्पिरेशनल वो खिलाड़ी है कि उनको उनकी मेहनत देखकर ही बाकी लोग कहेंगे कि हम भी ऐसी मेहनत करेंगे तो हमें भी यश मिलेगा। क्या जज्बा दिखा है, मतलब जिन्होंने मेडल्स जीते हैं सुनील जी, उन्होंने तो मेडल्स जीत लिए हैं, बाकियों ने दिल जीता है। मैं चाहती हूँ स्पेशली हम लोग विमेन्स हॉकी की बात करें, इनक्रेडिबल क्या खेला उन्होंने, और इन स्पाइट ऑफ किस इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो जोश है और वो जज्बा है टू प्ले फॉर द कंट्री कि आज इस मकाम तक वो पहुंचे, और आपको अंदर अंदर खुशी भी होती होगी, हमेशा क्रिकेट 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 होता रहता था देश में, बट आज अगर क्रिकेट जरा फीका भी पड़ जाए इन खेलों के सामने तो उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का वक्त है। सुनील जी, बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि जो क्रिकेटर्स है, जो हमारे क्रिकेटर्स इंग्लैंड में है, जो भी फॉर्मर क्रिकेटर्स है, वो सब बड़े खुश है, सब बड़े खुश है, क्योंकि देखिए दिल में तो स्पोर्ट्समैन ही होता है ना, आप कोई भी खेल खेले आप दिल में एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और इसी की वजह से आप कोई भी, मतलब आपके देश के कोई भी खिलाड़ी कभी जीतता है, कोई भी कुछ भी टूर्नामेंट जीतते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है, और यही खुशी हम सब महसूस कर रहे हैं। और हमें देखिए, आपने बिल्कुल कहा इंडियन विमेन्स हॉकी के बारे में, इंडियन वीमेंस हॉकी ने जीता नहीं होगा पर दिल जीते ना, यही तो बात है, इन्होंने पदक नहीं जीता पर दिल जीते, और इनका जो मतलब एक एग्जाम्पल होगा बाकी की जो युवा महिलाएं हैं उन पर, जो ये इंप्रेशन उन्होंने किया है कि देखिए हम भी खेल सकते हैं, हम भी कुछ भारत के लिए कर सकते हैं, ये चीजें जो है ना, इसकी मतलब आप उसे तोल नहीं सकते, मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये जो एक वैल्यू इनकी है ना, वो वैल्यू आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर आप, मैं बताऊं कि देखिए क्रिकेटर सबके सब क्रिकेटर बड़े खुश है। मैं आपका फेवरेट मोमेंट पूछूंगी, लेकिन जैसा आपने बताया ह्यूमंगस मोमेंट्स होते हैं और बाद में किससे जलते हैं, कि जब उसने जैवलिन वाला वो थ्रो मारा था और गोल्ड मेडल मिला था तो मैं यहां था मैं वहां था, अब किससे चल रहे हैं कि
सुनील जी तो डांस कर रहे थे उस दिन, गावस्कर डांस कर। देखिए उस वक्त तो मैं रोक नहीं पाया, और देखिए अब कोई अपने देश वाला कोई अच्छा करता है, पदक जीतता है तो खुशी तो होती है, वो खुशी हुई थी, बड़ी खुशी। इट्स इनक्रेडिबल आपको ऐसे नम आंखों के साथ देखना सुनील साहब। गावस्कर इमोशनल हो रहे हैं हमारे प्लेयर्स की अचीवमेंट्स पर। गावस्कर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मीरा भाई चानू ने भी जिस तरह से वो लिफ्ट किया, और जिस जब उन्होंने वो वेट ड्रॉप किया उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ गोल्ड मेडल नहीं मिला पर जो एक खुशी थी बहुत बहुत अच्छा लगा। विमेन्स हॉकी का मोमेंट कितना इमोशनल था गावस्कर जी। बिल्कुल ऐसा लगा कि एक और एक मिनट होता तो हम वो ब्रॉन्ज मेडल मिल सकता था, और एक दो मिनट होते हमारे हाथ में। पर यही तो खेल की बात है ना, कभी कभी आप वो डिक्टेट नहीं कर सकते, टाइम बाउंड होता है। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि उन्होंने सबकी सबके दिल जीते हैं, जिस तरह से उन्होंने ये खेल खेला है। मुझे याद है कि 2004 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जा रही थी, और मेरे ख्याल से कुछ 10-12 सालों के बाद वो जा रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पंथ प्रधान थे, तो उन्होंने एक बैट पर सिग्नेचर किया था, और बैट के साथ उन्होंने सौरव गांगुली और टीम को मैसेज दिया था, खेल ही नहीं दिल भी जीतिए। और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने वैसा ही किया। हमारी क्रिकेट टीम ने भी वहां पे 2004 में वहां पे जाकर खेल भी तो जीता था, मैचेस जीते थे, सीरीज जीती थी, पर फिर वहां जाकर दिल भी जीते थे। और यहाँ पे टोक्यो में हमारे भारतीय कॉन्टिंजेंट ने, पूरे कॉन्टिंजेंट ने सबके दिल जीते हैं। हम सबका तो की तो आत्मा तृप्त हो गई। हम लोग एक तो अपने प्लेयर्स को लौटते हुए देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम गावस्कर को इमोशनल होते हुए आज देख रहे हैं। आई थिंक हिस्टोरिक इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है हम सबके लिए, क्योंकि आपकी एक एक हिट पर, आपके आउट होने पर, आपके अच्छा खेलने पर हम लोगों के इमोशंस सामने आते थे। सोफे से उठना, कूदना, चिल्लाना, आपका आउट होना मतलब नेशनल डिसअपॉइंटमेंट, तो आपका जीतना उतनी ही बड़ी खुशी का दिन। अब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी नजरों से हम लोग खेल को एक नए सिरे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एट दिस एज इन लाइफ जब आप देखते हैं ये यंग लड़का, आप सोचिए सर, नीरज चोपड़ा वेट प्रॉब्लम से जूझने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स में इस तरह की एंट्री ली, एंड टू वन डे एक स्वर्ण पदक जीतना। सर देखिए अलग अलग इंसेंटिव्स बनते हैं, हर एक खिलाड़ी की अलग अलग रीजनिंग होती है कि मैं इस खेल से आगे आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो जो जो खेल उन्होंने चुना, और उसी के साथ जिस तरह से उन्होंने भारतीय तिरंगा वहां पे टोक्यो में लहराया था, तो उसके साथ मेहनत भी है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप शायद थोड़े से मोटे हो तो आपको लोगों ने चिढ़ाया कि आप यार आप बड़े मोटे हो, तो उसकी आप जैसा कि आपने हमें बताया कि नीरज जी ने वैसा किया था बहुत। तो देखिए अलग अलग इंसेंटिव बनते हैं, और उसी इंसेंटिव के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। और जैसे मैं और एक बार कहूंगा कि ये जो एग्जाम्पल्स इन्होंने सेट किए हैं कि जिस तरह से आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, और ये भी एक बड़ी बात है, और इसीलिए मैं तो बहुत बहुत इमोशनल हो गया हूँ। आप मुझे माफ कीजिए, मैं इतना इमोशनल बहुत कम होता हूँ, पर आप मुझे माफ कीजिए कि पर ये जो सुवर्ण क्षण है, ये सुवर्ण पदक ही नहीं सुवर्ण क्षण है भारतीय की स्पोर्टिंग इतिहास में, स्पोर्ट्स के इतिहास में ऐसे क्षण पहले कहाँ आए। पहली बार हमने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, और ये मुझे मैं 100% हूँ कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है आगे जाकर 2024 में पेरिस में, उसके बाद में 2028 लॉस एंजलिस में, और 2032 में ब्रिस्बेन में। तब तक शायद मैं नहीं हूँ, पर वहां पे हमारी मेडल टैली देखिए बहुत बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि आज यूएसए और चाइना की मेडल टैली है, उस तक हमारी टैली पहुंचेगी, क्योंकि ये जो आज जो फाउंडेशन बना है पिछले मतलब रियो से बन रहा था, उसके पहले अभिनव बिंद्रा ने शुरुआत की थी। अभिनव बिंद्रा ने तो एक्चुअली वो रूट्स डाले थे, और उसी से तो आज जो इसी की वजह से
जो हम देख रहे हैं वो उसी की वजह से, राज्यवर्धन राठौड़ जिस जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स है और उसी की वजह से आज इतने सारे स्पोर्ट्स हो, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी देखिए, सब देखिए, अलग अलग स्पोर्ट्स है और ये तो एक भारतीय नेशन, एक स्पोर्टिंग नेशन, मुझे पता है कि 2030 तक एक बड़ा स्पोर्टिंग नेशन बनेगा। एक वक्त पर ये भी खबर आई, अब अभी तो वो वापस आएंगे, अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, तो खबर आई कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। अब समझ नहीं आ रहा कि इस बात से खुश होए कि वो उन्होंने जैवलिन चूज किया और भाला फेंकने में वो आज गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, या फिर वो एक क्रिकेटर होते, बट जो भी है अचीवमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।